नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज मैं क्या बनाऊंगी। आज मैं आपके साथ एक लाल मिर्च का अचार शेयर करूंगी, तो चलिए देखते हैं कि मैं मिर्च का अचार किस तरीके से बनाती हूँ। पहले जो है, एक कढ़ाई में कुछ मसाले हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सौंफ और जीरा दोनों एक साथ मिक्स करके मैंने कढ़ाई में दे दिए हैं, और इसमें तेल बिल्कुल मत दीजिएगा। सूखी कढ़ाई में हमको जस्ट थोड़ा सा ही भून लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, जिससे कि हम इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे, इसको जस्ट इसका जो मॉइस्चर है उसको हम ख़त्म करेंगे। जस्ट थोड़ा सा ही बिल्कुल अच्छे से मिक्स थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये पाउडर जो है वो बन के तैयार हो जाए। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और इसमें अब मैंने सरसों राई मैंने इसमें ऐड कर दिया है। राई ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैंने राई और मेथी जो है वो एक एक चम्मच, एक चम्मच सरसों और एक चम्मच मेथी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, करके मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है अजवाइन, अजवाइन को भी जो है वो मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 चम्मच जो है अजवाइन ले लिया है। लेके तुरंत ही गर्म रहते ही हम इसका अच्छा सा एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है वो पाउडर बन के बिल्कुल रेडी है। अब जो है हम सूखे मसाले इसमें थोड़े देंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक दिए हैं, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी दिया है, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर दिया है। आप कस्तूरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कलर के लिए उसमें सिर्फ 1 चम्मच दीजिएगा कस्तूरी लाल मिर्च। और अगर आप तीखा वाला लाल मिर्च यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें 1.5 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, जो मैंने पहले से गर्म नहीं किया है। ये मैंने कच्चा जो सरसों का तेल है वो मैंने ऐड किया है इसमें, करके हम अब इसके साथ सरसों के तेल को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हमने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर करीबन एक नींबू का रस, 1 से 2, अगर बड़ा नींबू होता है तो 1 दीजिएगा, और अगर छोटे नींबू होते हैं तो 2 नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको नींबू का रस नहीं देना है तो आप विनेगर भी दे सकते हो इसमें, इससे खटासपन आएगा। और फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिर्च है, मिर्च का जो बीज, मैंने यहाँ से मिर्च का बीज से कट करके उसके जितने भी बीज होते हैं वो मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने मिर्च का जो बीज और जितने भी जो निकलते मिर्च के अंदर का सॉफ्ट पार्ट वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये हमें फेंकना नहीं है। अब मैं इसमें मैंने अब उस मसाले को मिर्च में स्टफ़ कर लिया है। इसी तरीके से आप स्टफ़ कर लीजिए। करने के बाद 2 दिन तक इसे एक कांच के बर्नी में भर के धूप दिखाइए 2 दिन बिना ऑयल डाले। 2 दिन जब ये सॉफ्ट हो जाएगा 2 दिन बाद, उसके बाद आप इसमें कच्चा सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो, या फिर सरसों के तेल को गर्म करके फिर उसे ठंडा करके भी आप इसमें दे सकते हो। दोनों में ही जो अचार है वो अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।